सारा सामान हमने लोड कर दिए गाड़ी में। वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, आपको पता था कि रोशनी वेलफेयर सोसाइटी ने लाब्स दगान की हेल्प के लिए इमदाद गठी की थी, उसमें लोगों ने काफ़ी हद तक मदद की, जो कि सामान था हमारे पास कपड़ों के मद में और बिस्तर। तो अभी जा रहे हैं तो हम उसको पैक करेंगे। तो चले जी चलते हैं सीधा शॉप पर। हाँ जी, तो अब हम पहुंच आए हैं कैंप पर और सामान काफ़ी तादाद में पहुंचा हुआ है। तो अब बारी है इसको पैक करने के, अच्छे तरीके से पैक करते हैं और फिर मिलते हैं आपको दोबारा। तो अभी हम जा रहे हैं जी खाना लेने, जो टीम लगी हुई है इनके लिए। तो अब जा रहे हैं हम दोबारा कैंप की तरफ। माशाल्लाह ये सामान सारा पैक कर दिया हमने, ये देखे बिस्तर भी हैं साथ में, कपड़े भी हैं। इसको अच्छी तरह से देखे, शॉपर में पैक कर दिया था, लिया ठीक है। ये दाने भी लोगों ने भेजे हैं। तो हमारे पास सारा सामान भी आ चुका है और जो के लोगों ने इमदाद की है पैसों के माध्यम में, वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब बारी है इसको सही जगह पर लेके जाने की। टोटल इमदाद इकट्ठी हुई है कैश के माध्यम में, वो हुई है ये 6,60,000 तकरीबन। तो हमारी टीम रोशनी वेलफेयर सोसाइटी ने फैसला किया कि ये ना हो अगर हम जाएं उधर, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा दूर है, तो हमें इमदाद इकट्ठी हुई है, ये ना हो ये सारी किराए में ज्यादा लग जाए। मकसद था हमारा इमदाद को और सामान को मुतासरीन तक पहुंचाने का। तो हमने फैसला किया जो पूरे पाकिस्तान में ट्रस्ट काम कर रही है अल हिदमत फाउंडेशन के नाम से, तो उनको दिया जाए और हमारा जो एक मेंबर है वो उनके साथ जाए और जो इमदाद है हमारी वो जाके दे आए। अभी जी वेट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट गुजरात अल हिदमत फाउंडेशन के जो सेक्रेटरी हैं इधर सजाद भाई हैं, वो आएंगे हमारे पास के साथ थोड़ी बहुत बातचीत होगी। जो कैश रिसीव कर ली हुई है इन्होंने, तो अब ये इसकी रिसीव बना रहे हैं। ये जो सामान दिया ना हमने दिया जी अल हिदमत फाउंडेशन को, जो कि रोशनी वेलफेयर सोसाइटी के सारे लोगों की वोटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अल हिदमत फाउंडेशन को दो। तो अभी भाई आए हैं तो कैश की रसीद बन गई और सामान जो है ना वो गाड़ी आ रही है, वो उसमें लोड करेंगे और फिर वो लेके जाएगी। गाड़ी आ चुकी है जी, अब इसमें सामान लोड करेंगे। पहले जी कणक के त्रोड़े रख लें बीच में। लोगों का जज्बा थी, काफी तादाद में लोगों ने हेल्प की है सामान की मद में, बिस्तर की मद में, पैसों की मद में। लोगों ने न्यू वन सीट सूट भी दिए हैं, देखे सारा सामान हमने लोड कर दिया गाड़ी में। सामान लोड कर दिया जी, ठीक है। अल हिदमत फाउंडेशन जे एशिया की दूसरी और पूरी दुनिया की सातवीं आई थिंक बड़ी फाउंडेशन है। तो गाड़ी जो है लाल मुस से लेके जाएगी सामान, और फिर जो ज़िले बांटे हुए ना आगे, ठीक है, बलोचिस्तान में दो ज़िले हैं, उधर लेके जाएंगे हमारा सामान। माशाल्लाह ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में से 80% जो जो सामान मिला है ना वो न्यू मिला है। बहुत खुशी हुई है दिल को, लोग हेल्प जो है ना उन्होंने खुल के की है, खुले दिल से जी। फाइनली लाला मूसा में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, जिधर अल हिदमत फाउंडेशन का कैंप लगा हुआ था। तो अभी गाड़ी से सामान उतार रहे हैं और अंदर लेके जा रहे हैं हाल में। तो काफ़ी लेट रात को गा रहे हैं, हमारी दुआ है कि ये सामान पहुंचे, ये मुतासीन तक पहुंचे, जिन्होंने दिया है उनका सामान दिया अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आ रही है उसमें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओका।